पढ़ते हैं, प्रकाश आया कहाँ से? सूर्य से। सूर्य से नहीं, देखो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवेश। आवेश जानते हो लोग ना, क्या होता है आवेश? समझना ध्यान से, ठीक है? नहीं, किसी भी पदार्थ में ये होता है, ठीक ना? कह सकते हैं ये किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें विद्यमान रहता है, लेकिन घर्षण के कारण हम उसको उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना? कोई भी पदार्थ है उसमें आवेश है, जब घर्षण करेंगे, जैसे मानते हो कि ये पेन ले लिए और बालों में रगड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, किसी पेज के पास ले जाएंगे तो वो चिपक जाएगा। ये तो बात समझ में आया। अब देखो ये आवेश जो है, इसका डिफिनेशन हो गया। कितने प्रकार के आवेश होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है प्लस वाला, मतलब प्लस वाला धनात्मक में बोलते हैं, और ऋणात्मक, दो तरह का हो गया, ठीक है ना? अब देखो यहाँ इसका आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब, यानी सी हम लोग बोलते हैं। आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब, ये इतना बात क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब हम क्या किए ना कि आवेश में, आवेश आवेश मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन भी है, जो कि हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ इतना कूलम्ब होता है ना? अब देखो इतना तो बात सब में सबको समझ में आया, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। पूछ सकता है कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कैसे मतलब एक आवेश पर कितना कूलम्ब होता है? तो ये बात या ये समझो कि आवेश मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है अभी? इलेक्ट्रॉन है कहाँ? किसी पदार्थ में है, वस्तु में है। अब उस इलेक्ट्रॉन में हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं। तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा गति करेंगे तो क्या होगा, वो धारा के रूप ले लेगा। मतलब धारा का डिफिनेशन क्या बोलते हो, धारा का इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह हो रहा है, तब आया हम लोग का यहाँ धारा बोल दिए, है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखो धारा का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, आवेशों की प्रवाह की दर को, मतलब आवेश जो है ना किसी वस्तु में है, अब वहां से वो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल दिए विद्युत धारा। अब मान लो विद्युत धारा हमारे पास आ गया, अब उसको भी थोड़ा सा आगे स्टेप तक चले जाते हैं, फिर हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना? अब इसको भी थोड़ा सा स्पीड कर दिए, तब ये बदल गया, ये बदल गया विद्युत चुंबकीय, मतलब विद्युत चुंबक बन गया। देखो क्या कर रहे हैं हम, किसी पदार्थ में क्या है, आवेश है, थोड़ा सा गति किए तो विद्युत धारा वाला बात आ गया, फिर थोड़ा गति किए तो चुंबकीय वाला बात आ गया। अब हम इसमें और गति कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा प्रकाश। तब ही ना बोलते हो कि प्रकाश क्या है, प्रकाश भौतिक कारक नहीं, कौन, चुंबकीय। हाँ, जब ये जो है गति कर लेता है, इसको बोलते हो ना तरंग, तो अनुप्रस्थ है, चुंबकीय तरंग बोलते हो कि नहीं, तो वो गति के कारण से इस रूप में आया। अब एक बार बात समझ लो, आवेश था कितना, विद्युत धारा में गया, फिर वहां चुंबकीय क्षेत्र में, और उसको स्पीड कर दिए तो प्रकाश के रूप में आया। ये इतना ही पूरा फिजिक्स में पढ़ना है, बस फिजिक्स खत्म, इतना ही। अब जहां जहां गया है उसका विस्तार हुआ है।
अब एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। इतना तो बात सबको समझ में आया ना कि हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अब देखो आवेश में मेन अपना ही बात होता है। अब यहां हम गए विद्युत धारा में, तो इसका डिफिनेशन क्या बोले? विद्युत धारक बोल दिए, मतलब जिसको आई बोलते हैं, है ना। आई विद्युत धारा को इसको आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए बोलते हैं, ठीक है, एम्पियर। आ इसको मापने वाला यंत्र एमीटर। बात क्लियर हो रहा है ना? यहीं से इतना ही यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, कि विद्युत धारा कैसे मात्र क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये किससे मापा जाएगा विद्युत धारा? तो एमीटर से मापा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे और बढ़े इसमें, तो हमें एक चीज सामने आया क्या, तो विद्युत विभव किसको बोलोगे? देखो खेल कहाँ हो रहा है, आवेश है, आवेश में ही बात होगा क्या, विद्युत विभव। तो अनंत से मान लो हमें नहीं पता है अनंत कहाँ पर होगा, क्या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, समझना, बस कुछ नहीं याद करना है। अनंत से आवेश को क्या रहा है, आवेश किसी बिंदु तक आएगा ना, चाहे ले जा रहे हैं तो काम करना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, क्या होगा, विद्युत विभव होगा। अब विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट होगा ना। और एक बात और आ गया, एक वोल्ट बराबर कितना होता है, एक वोल्ट बराबर कितना होता है, जे बाय सी, जूल प्रति कूलम। यहां से ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, इतना ही एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा गया एक और बात सामने आया, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, तो देखो विद्युत विभवांतर किसको बोलेंगे, तो एक बिंदु यहां है, तो आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे। बात समझ में आया? अब इसका भी एसआई मात्रक क्या है, वही है जो किसका है, जो विभव का था। और इस एक वोल्ट बराबर वही बात है, बात क्लियर हो गया। ये इतना देखो तो सबको दिमाग पे आया, ठीक है ना। लेकिन एक बात और सामने यहाँ आ जाता है कि विद्युत संरक्षण, एक बात यहां से आ जाएगा, कहां लिखे हैं, विद्युत संरक्षण सिद्धांत जिसको बोलते हैं, सिद्धांत, ये बात आता है। अच्छा ये तो सबको याद है, कहे नहीं बोल पा रहे हम, विद्युत संरक्षण के सिद्धांत। बार बार तुम लोग बोलते हो ना कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, तो यही तो है विद्युत संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर हो गया? ये हुआ ठीक है। अब देखो विद्युत चल रहा था, कहानी समझो, यहाँ विद्युत चलने वाली बात, जैसे जैसे चला अनंत से कहाँ आया, किसी बिंदु तक, समझना आप क्या हुआ था, विद्युत धारा यहाँ आवेश प्रवाह हुआ तो विद्युत धारा कह दिए, और फिर कहीं से आवेश आया, वही आवेश नहीं पता था कहाँ से आया, तो किसी बिंदु तक आया तो हम उसको बोल दिए काची विभव बोल दिए। अब जब एक बिंदु तक आ गया
तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो उसको बोल दिया विभवांतर। कहानी समझो कैसे हम चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ भाई देखो, कहने का मतलब है कोई चलेगा ना, तुम ही आगे बढ़ोगे ना तो कोई जरूर रोकने वाला आ जाएगा। तो अभी खड़ा हो गया रास्ता में प्रतिरोध, अब बोला कि आ बेटा अब आगे बढ़ेगा, बोला कि अब आवेश जो है यहां से यहां जाना चाह रहा था, तो ई था ना कहा पदार्थ में बैठल था। अभी क्या किया कि बोला कि हम इसको नहीं जाने देंगे, तो इसको रोकने लगा, तब हम इसी को बोल दिए प्रतिरोध। तो क्या इसका डिफिनेशन कहोगे? हाँ, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से जाने वाले धाराओं को रोकता है, विरोध करता है। बात समझ में सबको आ रहा है ना? अब देखो इसका इसका एसआई मात्रक ओम होता है। समझ जाओ प्रतिरोधकता। अब एकरे एक और चचेरा भाई था जेकर नाम था प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता देख लो क्या बोला था कि प्रतिरोध को हम लोग काची से सूचित करते हैं आर से, ठीक है ना। तो देखो बोला ना प्रतिरोधकता कि कोई भी आर है, ठीक है ना, कोई भी आर है। कभी कभी तुम लोग ये साइन देखा होगा, ये साइन कहीं ये साइन देखा होगा। बोला था कि कोई भी आर है और ओकर जो लंबाई है, ठीक है ना, वो क्या होगा, इस समानुपाती के चिन्ह है। कोई भी प्रतिरोध है किसी पदार्थ का वो उसकी लंबाई के बराबर होता है, लेकिन उसके बटा में ए आ गया, मतलब नहीं ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, तो बोलेंगे कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के बराबर होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया ये किसका डिफिनेशन, प्रतिरोधकता के। बात समझ में आया कि नहीं? क्या डिफिनेशन प्रतिरोधकता के, पदार्थ प्रतिरोध के लंबाई के बराबर उसमें कुछ, हाँ, माने उसका प्रतिरोध जो है ना लंबाई के बराबर होगा, लेकिन उसकी जो है क्या क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसको हम बोलेंगे प्रतिरोधकता। अब देखो यहाँ से एक बात और सामने आया, बोला कि तुम्हारा ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये बोल दिया ओम मीटर। मजा आ रहा है पढ़ने में? क्लियर हुआ अमन? दिक्कत है? सारा बात क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत। देखोगे यहाँ अब देखा गया प्रतिरोध को, चलो भाई ये विरोध करने तो आ गया है प्रतिरोध, तो इसको देखे हम लोग तो ये दो गो श्रेणी में था, दो गो श्रेणी एक मतलब दो तरह से जुड़ा हुआ था, एक तो श्रेणी श्रेणी क्रम में था ना, और दूसर का था समांतर समांतर श्रेणी। अब देखो समझो श्रेणी क्रम में क्या होता है ना, मान लो कोई है मान लो ए है, तो ए प्लस ए वन प्लस मतलब ऐसे ही एक के बाद, जैसे ना मान लो हमारा हाथ कोई दूसरा पकड़ा, दूसरा उसका हाथ पकड़ा, ऐसे करके एक सीरीज तैयार हुआ, तो इसको बोले श्रेणी। बात समझ रहे हो क्या? जैसे हम तुम्हारे हाथ पकड़े, तुम्हारा हाथ वो पकड़ा, तुम्हारा वो, ऐसे करके, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। लेकिन अब समांतर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि मेरे हाथों पर सभी लोग रखो, तो इस तरीका से जो हाथ जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे समांतर क्रम। बात समझ में आया? चलो अब एक बात और यहां से सामने आ जाता है कि यहां एक बात सामने आया जिसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। देखो आएगा कि नहीं, फिर नीचे तो नहीं हो जा रहा है, आ जा रहा है, समझोगे। विद्युत शक्ति क्या हुआ, मान लो कहीं भी किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा तो शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति होगा तो शक्ति रहले रहेगा। मान लो तुम आज सुबह खाना खाए हो,
कहेंगे कि 2 दिन तक खूब रगड़ के काम करो, होगा नहीं शक्ति तो खत्म होगा ना, तो इसी को ना बोलते हैं क्या है विद्युत शक्ति, किसको कह रहे हैं? मतलब आवेश चाहे कोई भी ऊर्जा की खर्च की दर को, जब किसी चीज में धारा प्रवाह कर रहे हो ना तो उसमें उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसी की दर को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं, खर्च की दर को, ठीक है ना। तो खर्च की दर हुआ, इसका ऐसा ही मात्रक आ गया क्या, वाट आ गया ना, इसका ऐसा ही मात्रक वाट आ गया। कभी कभी एक बात तुम्हारे लोग के सामने आता होगा कि मोटर खरीदे हैं 1 HP के है, सुनते हो ना, 1 HP बोलते हो लोग, हॉर्स पावर बोलते हो, तो 1 HP बराबर कितना 746 वाट होता है, इतना क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति किसको कहेंगे? तो आवेश की खर्च की दर को विद्युत, तो आवेश कहाँ खर्च होगा, किसी पदार्थ में बहेगा तब ना। अब देखो, अब हम देखें आगे बढ़े तो मिटा देगा, अब मान लो यहाँ पर हम लोग किसी चालक में धारा प्रवाह कर रहे हैं, तो एक तरह का यहाँ प्रभाव भी देखने के लिए मिला। मान लो यहाँ बल्ब है, ठीक है ना, अब इसमें हम धारा दिए तो देखे कि क्या हुआ, ये जला, और जला तो इसमें से गर्मी निकलने लगा, उष्मा निकलने लगा, तभी हम इसको बोल दिए कौन सा, विद्युत, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इतना तो बात सब कोई को समझ में आ गया।